और अब बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के आह्वान पर एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आदेशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा की जाएगी। इस संदर्भ में ग्राम लाड़कुई से पदयात्रा प्रारंभ होगी, जो कि ग्राम चकलंदी पहुंचकर पदयात्रा का समापन होगा। इस दौरान पदयात्रा लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्रामों से गुजरते हुए ग्राम चकलंदी पहुंचेगी। यात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण शामिल रहे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। महंगाई कम करो, मोदी जी शरम करो, गैस के भाव कम करो, मोदी जी कुछ तो शरम करो, डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो। पूरे भारत वर्ष में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया जी के आदेश अनुसार पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान यात्रा चालू की गई। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने, पूज्य महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा दिया था, और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस बीच 5 साल में हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की आहुति दी इस देश के खातिर। उसी संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही है, हरिजन को आदिवासी से लड़ा रही है, अगड़े को पिछड़े से लड़ा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक भारत जोड़ो अभियान यात्रा का प्रारंभ किया है। और मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल, गैस, पेट्रोल, खाने का तेल, बच्चों की कापी किताबें, ये महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ये सरकार बिल्कुल सो रही है, और इसके जगाने के लिए हम ये कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान यात्रा प्रारंभ की गई है, जो पूरे देश में चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है।